शहर की निजी संस्था द्वारा किया गया रफी नाइट का आयोजन। कार्यक्रम में मोहम्मद रफी को याद करते हुए उन्हें दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। आज के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में तनावग्रस्त जीवन को दूर करने के लिए संगीत जहां एक कला है वहां इंसान को तनाव मुक्त करता है, यह जानकारी डीएवी कॉलेज की प्राचार्य विभा गुप्ता ने श्री गणेश एंटरटेनमेंट के पंकज अरोड़ा द्वारा आयोजित रफी नाइट के अवसर पर प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा, आज जैसे संगीत का प्लेटफॉर्म युवा कलाकारों को मिल जाता है, क्योंकि मानयोग रफी जी संगीत के कलाकार नहीं बल्कि संगीत के सतराज माने जाते हैं। उन्होंने संगीत के माध्यम से युवा बुजुर्ग तथा माताओं बहनों को जहां संगीत का आनंद दिलवाया, वहीं उनको संगीत के माध्यम से लोगों को तनाव मुक्त किया और नैतिकता का पाठ पढ़ाया। विभा गुप्ता ने कहा कि देश में पॉप सॉन्ग तथा इंग्लिश संगीत का दौर चल रहा है, लेकिन आज रफी द्वारा गाया हुआ गीत लोगों के दिल और दिमाग में राज कर रहा है। इसी संदर्भ में रफी जी को याद करते हुए उनको भावविहीन श्रद्धांजलि दी गई और प्रभु से प्रार्थना की गई कि प्रत्येक संगीतकार के अंदर उनका अंश जरूर पाया जाए। इस अवसर पर युवा कलाकार समनदीप ने कहा कि जमाना जितना चाहे बदल जाए, लेकिन रफी जी का संगीत आज भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा। जब तक दुनिया है तब तक रफी जी का संगीत इस दुनिया में रहेगा। ये यमुनानगर के लिए बहुत गौरव की बात है कि एक भारत के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार को, गायक को, संगीतकार को हम याद कर रहे हैं रफी नाइट मना करके। और ये इसका श्रेय पंकज जी को जाता है जिन्होंने ये कदम उठाया और एफर्ट्स किए। मैं समस्त देवी परिवार की तरफ से इतने महान कलाकार, महान गायककार, संगीतकार को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं मोहम्मद रफ़ी जी युवाओं और बड़ों और बच्चों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। जहाँ आप संगीत की बात कह रहे हो, संगीत एक ऐसा मात्र साधन है जिसके जरिए हम जो है समाज से जुड़ते हैं और हमारा जो मानसिक विकास और रिलैक्सेशन हमें मिलती है, और एक टाइम जो हम तनाव भरा जो जीवन है, तनाव भरी जिंदगी है, उससे हम फ्री रह पाते हैं इस संगीत के माध्यम से। और इस तरह से मोहम्मद रफ़ी जो है युवाओं के लिए, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जो है एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आज मैं देख रही हूँ कि उनके नाम से मतलब इनके लोग इतने फैन हैं कि हमारा पूरा जो डीएवी का हॉल जो है, ऑडियंस जो है भरा हुआ है उनको उनकी याद को मनाने के लिए। देखिए, उनकी यादें मौजूद हैं और गणेश एंटरटेनमेंट, पंकज जी इस एनजीओ को चलाते हैं, वो हर साल इस कार्यक्रम को मनाते हैं। और मनाने के पीछे जो एक मंशा है, समाज को जोड़ना रफ़ी जी की आवाज़ के द्वारा। बहुत रफ़ी जी के ऐसे लोग हैं जो उनको प्यार करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं उनको, और उन सबका जमावड़ा जो साल में एक बार हमारे शहर में होता है, इसके लिए मैं पंकज जी को बहुत बधाई देती हूँ। देखिए, ऐसे संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसको किसी भाषा की ज़रूरत नहीं, परंतु वो भावना से चलता है। डिप्रेशन के लोगों के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा है, परंतु ये चाहे देशभक्ति की भावना हो, चाहे आपस में जुड़ के रहने की भावना हो, प्यार की भावना हो, आपस में समन्वय के साथ जीने की भावना हो, ये सब संगीत के द्वारा जो पेश किया जाता है, ये एक अपने आप में अनूठा प्रयास है। और संगीत ही ऐसा माध्यम है जो सभी कलाओं को जोड़ता है। आज की प्रतिभा को उभर के लेके आना और हम लोगों को बताना कि ये संगीत होता है, इसका माध्यम बनाया गणेश इंटरप्राइजेस को। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि इस घर, इस पूरे देश में और इस समाज में ये बताना कि पुराने संगीतों का क्या महत्व है। और आज सारे झूम रहे हैं इस वक्त इस लहर के अंदर। ये रफ़ी जी के जाने के बाद भी एक लहर है जो हम लोग इसको लेके जाएंगे आगे, और हम भी गणेश इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करेंगे आगे। हर साल वो ये काम करते हैं और बहुत ही दिल से और श्रद्धा से कर रहे हैं, और आज हम इसका पार्ट बने हैं। मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ इस संस्था का। मुझे जब भी कभी अंताक्षरी खेलने को मिलती है तो मुझे सिर्फ पुराने गाने याद रहते हैं, बेशक वो कल ही मैंने कहीं MTV में देखे हों, बट कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। दैट मीन्स हमारे अंदर आज भी वो लिरिक्स हैं जो उन लोगों ने गाई हुई हैं, और हम शायद बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेस गॉड हैं कि हम उस ऑरा में जिए थे जब हमने वो गाने सुने हैं अपने माँ बाप के साथ, तो आज हम उसको इन्जॉय कर रहे हैं। मगर आज भी वही गाने गा रहे हैं हम नया कोई भी नहीं गाना गा रहे, क्योंकि हम उसी लहरों के साथ बाहर बहते चले जा रहे हैं। वो सिचुएशनल गाने थे, वो सिचुएशन को सूट करते थे, एक इंसान के अंदर जाते थे, तभी आज हम सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। आज वो जो 50 20 साल 30 साल पहले जो गाने गाए हुए हैं, हम सब लोग उसका पार्ट बन रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि हमने एक बार सुना और सारी ज़िंदगी याद रखा।
हमें म्यूजिक से लेना देना नहीं है, हमें लिरिक्स से लेना देना है, हमें मतलब से लेना देना है। तभी हम, दैट्स वाई सब सेंसिबल लोग आज यहाँ बैठे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं।